हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग हो चुका है एक बार फिर से धर्मनगरी हरिद्वार से शूट। तो गाइस, आज है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर के दिन आपको हरिद्वार से एक बार फिर से दर्शन कराने वाले हैं। जैसे कि सभी चीज़ की अपडेट हम देते रहते हैं, वैसे एक बार फिर से नई अपडेट के साथ आप लोग के लिए पहुँचे हुए हैं। तो अभी मैं हूँ हाथी वाले पुल पर, आप लोग देख सकते हो, इसे बोलते हैं हाथी वाला पुल। तो दोस्तों, अभी हम हाथी वाले पुल पर, हाथी वाले पुल से आपको दर्शन करा रहे हैं, देख सकते हो। और आप लोग देख सकते हो, सामने हमें शिव वाला घाट नज़र आ रहा होगा। ये सामने जो रहा शिव वाला घाट, तो इसी घाट की ओर ले चलेंगे आपको धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि आज बिल्कुल भी पूरी तरीके से एक तरह से गंगा जी का जल जो भी बचा कुचा आ रहा था वो भी एक तरह से पूरी तरीके से कम हो चुका है। और धीरे धीरे बचा कुचा ये जो बीच में आपको जल नज़र आ रहा है ये भी एक तरफ से पूरा कम हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में जो थोड़े बहुत गड्ढे वगैरह थे इसी के चलते ये गंगा जी का जल रुका हुआ था। और धीरे धीरे जैसी जैसी थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती रहेगी ये भी जल कम होता रहेगा। तो आप लोग पूरी तरीके से देखते रहोगे धीरे धीरे, क्योंकि जो पूरी तरीके से जल पहुँचेगा हरिद्वार में वो पहुँचेगा दीपावली के दिन, यानी कि 1 नवंबर के दिन। तो 1 नवंबर के दिन आपको पूरी तरीके से हरिद्वार में एक बार फिर से गंगा जी का जल नज़र आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 10 दिन तक आपको इसी तरह से गंगा जी का जल देखने को मिलेगा। तो आपको एक बार यहां से मनसा देवी मंदिर के हम ज़रूर दर्शन कराएंगे। जय मां मनसा देवी, ये देख सकते हो। और पर मनसा देवी दर्शन करने के साथ साथ हम चलते हैं बांके और घाट की ओर, वहाँ के दर्शन कराते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, चलिएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं सीधे घाट के किनारे, आप लोग देख सकते हो। लेकिन एक समय इतना ज़्यादा था ना, जहाँ पे मैं हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे गंगा जी का बहाव इतना तेज़ रहता था दोस्तों। जो ये रेलिंग बने हुए हैं यहाँ से ऊपर पूरा गंगा जी का जल रहता था, आपने देखा होगा कितने बार वीडियो के माध्यम से, तो जल पूरा यहाँ तक रहता था। लेकिन आप लोग उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बीच में और कितना ज़्यादा जल रहता होगा। देख लो, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी तरीके से गंगा जी के जल से ये पूरा तरीके से घाट भरा रहता था। यहाँ पर जल का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ रहता था। तो ये है शिव वाला घाट, जो हरिद्वार का शिव घाट है। तो इसी घाट पर हम पहुँचे हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ रहती थी। तो जैसे जैसे गंगा जी का जल कम हुआ वैसी वैसी थोड़ी थोड़ी बहुत भीड़ भी कम होती गई हरिद्वार में, क्योंकि जल लोगों को मिल नहीं पाता था स्नान करने के लिए, उसी के चलते थोड़ा बहुत भीड़ भी कम होती गई। आप लोग देख ही सकते हो, ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें जल नज़र आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, बट इसमें लोग स्नान करने वाले तो हमें नज़र नहीं आ रहे। बस जो गंगा जी से सोना चांदी या सिक्के वगैरह जो भी इनको अन्य धातु मिलती है ना, वही लोग हमें दिख रहे हैं अभी गंगा जी में। बाकी स्नान करने वाले लोग हमें नज़र नहीं आ रहे, आप लोग देख सकते हो। ये देखिएगा दोस्तों, इन्होंने ढूंढ ढूंढ के कितने बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे बना दिए, देख रहे हो। ये देखिएगा किस तरह से ये सुबह से लगे रहते हैं अपने काम पर, ही आप लोग देख सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत जल हमें नज़र आ रहा है एक तरफ से, आप लोग देख रहे हो। ये देखिए, कुछ लोग ऐसा है जो गंगा जी में स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पे, जो सिर पे रुका हुआ ही जल है घाट के बीच में हमें को देखने को मिल रहा है। ये देखिएगा दोस्तों, अभी हम पहुँच गए सीधे शिव पुल पर। लेकिन यहाँ से तुम्हें दिखाते हैं नीचे के नज़ारे, ये देखिएगा, देख रहे हो, यहाँ से नीचे के दर्शन कर सकते हो। बट लोगों को इसी जल में स्नान करना पड़ रहा है। ये थोड़ा बहुत आपको जो गंगा जी का जल नज़र आ रहा है ना, इसी में लोग गंगा जी में स्नान करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बट दूर दूर तक हमें श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं गंगा जी के, वो भी बीचों बीच में आप लोग देख सकते हो, वहाँ तक गए हो शायद सभी लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, देख सकते हो। ये देखिए, तो अब हम चलेंगे दोस्तों सीधे हर की पौड़ी की ओर, ठीक है। और देखते हैं आज हर की पौड़ी पर गंगा जी का जल स्तर कितना है और वहाँ पर भीड़ कितनी है, ले चलते हैं आपको हर की पौड़ी की ओर, चलिएगा। ये देखिएगा दोस्तों, गर्मी भी भाई साहब दिन में इतनी लग रही है क्या यार, ये सुबह शाम का मौसम जबकि इतना ठंडा होते जा रहा है, लेकिन दिन में भाई साहब क्या गर्मी लग रही है यार अभी। बट यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे गंगा जी की बड़ी वाली धारा की तरफ किस तरह से ये लोग लगे हैं उतने गर्मी में भी, आप लोग देख रहे हो। ये देखिएगा, और सामने आपको धनुष वाले पुल के दर्शन हो रहे होंगे। अब चलेंगे हम आपको नाई वाले घाट पर लेके, और नाई वाले घाट के एक बार नज़ारे दिखा देते हैं और दर्शन करा देते हैं आपको, चलो ठीक है। यहाँ से एक बार दर्शन कराते हैं आपको नाई वाले घाट के, और देखते हैं नाई वाले घाट की स्थिति किस तरह की बनी हुई है, ठीक है, चलो जी नाई वाले घाट के दर्शन कराते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके सीधे नाई घाट पर, ये रहे नाई घाट के नज़ारे, आप लोग देख रहे होंगे। और अभी आप लोग देख सकते हो नाई वाले घाट पर अभी भी जल नहीं पहुँचा पूरी तरीके से, बोला जाए तो जो ये थोड़ा बहुत जल आ रहा है ये हर की पौड़ी पर जल रोका गया है, और उसी से जो बचा कुचा जो जल आ रहा है वो सीधे नाई वाले घाट पे पहुंच रहा है, वो आपके सामने नज़र आ रहा हो, आप लोग देख सकते हो। बाकी हर की पौड़ी पे अभी गंगा जी के जल को रोका गया थोड़ा बहुत, क्योंकि
वहाँ पे स्नान करने के लिए लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए गंगा जी का जल वहाँ पे रोका गया है। आप लोग देख सकते हो, ये देखिएगा बाकी किस तरह से लगे हैं। मतलब कि सुबह शाम दोस्तों जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन दिन में अभी भाई यार गर्मी मुझे महसूस इतनी लग रही है ना, सच में गर्मी मुझे काफ़ी तेज़ लग रही है। लेकिन सुबह और शाम का मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, उसमें थोड़ी बहुत ठंड होने लगी है, बट अभी दिन में उतनी तरीके से ठंड नहीं है, लेकिन गर्मी अभी है भाई। धूप लग रही है तो गर्मी काफ़ी लग रही है। बट अभी हम पहुँच चुके हैं सीधे नाई वाले घाट को पार करके हर की पौड़ी वाले घाट पे। आप लोग देख सकते हो सामने हर की पौड़ी वाला घाट रहा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और इस तरह से गंगा जी के जल को रोका गया है। देख रहे हो, ये देखिएगा, देख रहे हो, इस तरह का बांध बना के गंगा जी के जल को रोका गया है। आप लोग देख रहे होंगे, और थोड़ा बहुत जल यहीं से नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिएगा। और यही जल जो आगे को जा रहा है नाई वाले घाट पे, यही हमें गंगा जी का जल देखने को मिल रहा है, जो सामने से इस तरह से ब्रिज बन के रोक कर रखा है। और आपको हर की पौड़ी पे बाकी स्नान करने को तो जल दिख ही रहा होगा, क्योंकि यहीं से जो ये बांध को रोका गया है जल को, तो इसी से आगे को जो जल है वो रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ से बना रखा है ना बंद करके, तो इसी के सारे पीछे का जल रुका हुआ है पूरी तरीके से। और सामने अस्थि प्रवाह घाट पर आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, देख रहे हो, ये देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है सामने वाले घाट पर भी, आप लोग देख रहे होंगे, ये देख सकते हो, ये देखिएगा दोस्तों। अभी हम पहुँच गए वही धारा की तरफ, सबसे बड़ी वाली नील धारा की तरफ, या और जो सामने आपको घाट दिखाई दे रहा होगा वो जो सामने ना ये रहा वीआईपी घाट, वहाँ पे भी बिल्कुल जल नहीं है। देख रहे हो आप लोग, कितना ही भी आप लोग देख लो ना, दूर तक नज़र मारोगे ना तो इस घाट की तरफ तो आपको जल ही नज़र नहीं आएगा इतना ज़्यादा। और लेकिन जल आपको नज़र आएगा तो सिर्फ ही अभी ब्रह्मकुंड घाट यानी कि हर की पौड़ी पर ही जल नज़र आएगा, जो एक बांध बनाकर रोका गया है और लोगों को स्नान करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इसलिए हर की पौड़ी पे जल हमें देखने को मिलेगा। दिखाते हैं, चलो देख सकते हो दोस्तों, अब हर की पौड़ी पे जल आपको देखने को मिल रहा होगा, देख रहे हो, ये देखिए, देख सकते हो पूरी तरीके से, ये रहा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड घाट, और यहाँ पे आपको जल नज़र आ रहा होगा। और सामने अस्थि प्रवाह घाट देख सकते हो, वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बट ये जल जो रोका गया है लोगों को स्नान करने में दिक्कत नहीं हो, आप लोग देख ही रहे होंगे, ये देख सकते हो, देख सकते हो दोस्तों। अभी हम पहुँच चुके हैं घंटा घर वाले घाट पर, ये रहे घंटा घर के घाट के नज़ारे, आप लोग देखे रहे होंगे, ये देख सकते हो। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत गंगा जी का जल नज़र ही आ रहा होगा, ये देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखिएगा। और आज कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत भीड़ नज़र आ रही है घाट पर, आप लोग देख ही रहे होंगे दोस्तों, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा मालवी घाट, और इसी के सामने ये रहा महिला वाला घाट, और जो सामने आपको महिला वाले घाट पर एक जो माँ गंगा जी का प्राचीन मंदिर था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो, और ये भी 15 से 20 दिनों में पूरा रेडी हो जाएगा, पर काफ़ी अच्छा लगेगा ये मंदिर जब, अभी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ना, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, बाकी आप लोग देख सकते हो दर्शन कर सकते हो यहाँ से, ये देखिए। मैं बड़ी वाली गंगा जी की धारा की तरफ ले चलता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ से एक बार नज़ारे दिखाता हूँ, चलो ये देखना भाई साहब, गर्मी यार दिन में काफ़ी लग रही है, ये देख सकते हो पूरी तरीके से, ये रही गंगा जी की बड़ी वाली धारा। और अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नज़ारे, देख रहे हो, ये देखिए, देख सकते हो, और यहाँ पे देखो भाई साहब, बिल्कुल भी जल नहीं है, जो थोड़ा बहुत जल आ रहा था उसको यहाँ से बंद कर दिया गया है, देख रहे हो, ये इस डैम को लगा के यहाँ से जेसीबी से काम करवा के इस तरफ जो गंगा जी का जल आ रहा था बचा कुचा वो बंद कर दिया, अब वो बाकी कुचा बचा कुचा जल वो सीधे हर की पौड़ी को जा रहा, बाकी इस तरफ का घाट पूरी तरीके से खाली है, देखिए। तो दोस्तों अभी आपको सभी घाट के मैंने दर्शन करा दिया, अपडेट दे दी है, दीपावली के शाम तक हर वीडियो में बोला हूँ, दीपावली छोटी दीपावली के शाम तक हर की पौड़ी पे पूरी तरीके से जल पहुँच जाएगा। और फिलहाल आपको जैसे अपडेट मैं दे रहा हूँ उसी तरह से इतना ही जल आपको देखने को मिलेगा हरिद्वार के सभी घाट पर, जितना हर की पौड़ी पे इतना ही जल दिखेगा, बाकी जो ये बड़ी वाली धारा है ना यहाँ पे आपको इसी तरह का जल नज़र आएगा, जो भी ये रुका हुआ जल है और इसी तरह का जल आपको नज़र आएगा। तो फिलहाल चलते हैं आप संजयपुर पर, वहाँ से एक बार दर्शन कराते हैं, फिर ब्लॉग को भी समाप्त करते हैं, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, अभी दिन के समय ना धूप बड़ी भयंकर लग रही है एक तरफ से, और सुबह शाम का मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बाकी चलते हैं सीधे संजयपुर में, वहाँ से दर्शन करें, हर हर भाई, चलो नहीं चलते हैं सीधे संजयपुर। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके सीधे संजयपुर पर, और समय हो चुका है लगभग 2:30 बजे का, और धीरे धीरे ना भीड़ हल्की फुल्की बढ़ती नज़र आई है, क्योंकि माँ गंगा जी की दिव्य आरती भी स्टार्ट होती है 5 बजे, और उसी के चलते श्रद्धालु माँ गंगा जी में स्नान करता है, उसके बाद गंगा जी की आरती का मनोरंजन लेते हैं, या गंगा जी की आरती की
दर्शन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं संजय पुल पे पहुंचने के बाद आज के ब्लॉग का करते हैं समाप्त। हर हर गंगे, जय गंगे माता।